हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बालों की ग्रोथ को बढ़ाने का एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इसकी मदद से अगर आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं तो उससे आपके बालों का कालापन बना रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस नुस्खे को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले खाली बाउल। इस खाली बाउल में मैं सबसे पहले जो चीज लूंगा वह दोस्तों शांति आमला तेल, जो कि आप मेरे पास देख रहे हैं। दोस्तों, ये आपको किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी, हो सके तो आपके घर में ये अवेलेबल होगी। तो आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर 4 चम्मच शांति आमला तेल इसमें खाली बाउल में जो है ऐड करने हैं। शांति आमला तेल जो है बादाम के तेल और आंवला के तेल से मिलकर जो है बना हुआ है। ये हमारे बालों की जड़ों में जाकर बालों को पोषण देता है, साथ ही बालों की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो दोस्तों, इसमें अगर हम कुछ और चीज़ों को भी मिलाकर लगाते हैं तो इसका असर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। ये जो है 10 गुना तेज़ी से आपके बालों पर असर करेगा, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, साथ ही आपके सफ़ेद बालों को भी काला बनाएगा। तो दूसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो दोस्तों अरंडी का तेल। तो आपको यहाँ पर इसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल जो है ऐड करना है। अरंडी का तेल भी हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, साथ ही ये हमारे झड़ते हुए बालों की समस्या को ख़त्म करता है। अरंडी का तेल हमारे बालों को तेज़ी से घना बनाता है। अब इसके बाद दोस्तों, अगली चीज़ जो हम लेंगे वो दोस्तों नारियल का तेल। आपको इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल जो है ऐड करना है। नारियल का तेल भी आप सभी जानते हैं नारियल के तेल के फ़ायदे के बारे में, कितनी तेज़ी से हमारे बालों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे बालों के स्कैल्प को सुधारता है, साथ ही हमारे रुकी हुई ग्रोथ को प्रमोट करता है। नारियल के तेल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे झड़ते हुए बालों की समस्या को ख़त्म करता है। तो दोस्तों, तीनों ही तेल हमारे बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आपने देख ही लिया दोस्तों, 3 तरह के हमने इसमें तेल ऐड करे हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद है हमारे बालों के लिए। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटा हुआ नींबू। तो आपको इसमें 1/2 कटे हुए नींबू का पूरा रस जो है ऐड करना है। नींबू का रस हमारे बालों की रूसी की समस्या को ख़त्म करेगा, साथ ही ये हमारे सफ़ेद बालों को भी काला करता है और ये हमारे बालों की जड़ों तक जाकर बालों में जमा बैक्टीरिया को ख़त्म करता है जो हमारे बालों के बढ़ने से रोकते हैं। तो आपको इसमें 1/2 कटा हुआ नींबू का पूरा रस ऐड कर लेना है। चारों चीज़ों को दोस्तों आपको अच्छे से जो है मिक्स करना है। इस तेल को दोस्तों आप फ्रिज में स्टोर करके भी 7-8 दिन तक के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, इस तेल को बालों में लगाने से आपके बाल काफ़ी मुलायम और चमकदार बनेंगे, साथ ही आपके बालों की ग्रोथ तो इससे बढ़ेगी, आपके बालों में इससे काफ़ी जो है फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे जो है नहाने से 1 घंटे पहले इस तरीके से उंगलियों से लेना है और इस तरीके से आपको बालों की जड़ों में इसकी अच्छे से मालिश करनी है। ध्यान रखें दोस्तों, आपको नहाने से 1 घंटे पहले इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छे से इसकी मालिश करनी है। फिर आपको इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक लगाकर जो है 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आप किसी भी शैम्पू से अपने बालों को धोकर साफ कर लें। दोस्तों, इस नुस्खे को आप 1 हफ्ते तक रेगुलर इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आपके बाल काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगेंगे, साथ ही आपके सफ़ेद बाल भी काले होंगे, आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।